नमस्कार दोस्तों, आज हम महाराष्ट्रियन स्टाइल में कांदा पोहा बनाएंगे। कांदा यानी प्याज। मैंने एक कटोरी पोहा लिया है, एक कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है, इधर मूंगफली है, हरा धनिया, थोड़ी नमकीन बाद में गार्निशिंग के लिए, और हरी मिर्च और करी पत्ता, इधर हींग ले ली है। यहाँ हमने लिया है आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों या राई, और आधा चम्मच ही हल्दी ली है, एक चम्मच नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, एक नींबू का रस है और एक चम्मच चीनी है। आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हम पोहे को धोएंगे। खुले पानी में नहीं धोना, हमने छलनी मैंने लगा ली है, इसी में थोड़ा थोड़ा पानी रूम टेम्परेचर का डालते हुए धो लेंगे। इससे थोड़ी बहुत गंदगी होगी तो नीचे निकल जाएगी और पूरा पोहा हमारा भीग जाएगा। थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे इसी में, थोड़ा बाद में डालेंगे, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे। अब 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। पैन मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल लेंगे और इसी में मूंगफली डालकर भून लेंगे। आप चाहें तो इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, पर हल्का सा तेल डालने से इसका कलर अच्छा आएगा। दो मिनट के लिए भूनेंगे इसे हम। मूंगफली रोस्ट हो चुकी है, निकाल ली है मैंने। अब हम बचे हुए तेल में थोड़ी सी हींग डाल देंगे, थोड़ा राई डालेंगे, राई या सरसों जो भी आपके पास है, थोड़ा सा जीरा को भून लेंगे पहले हम। जीरा और राई भूनने के बाद हम हरी मिर्च और करी पत्ता इसी में छोड़ देंगे। इसी में चीनी डालेंगे, प्याज भून लेंगे थोड़ा। हल्दी भी थोड़ा हम भून लेंगे। हल्के हाथ से हिलाते हुए हम पोहा भी डाल देंगे। और साथ ही मूंगफली डालेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, नींबू और धनिया डाल देंगे। बहुत आसान नाश्ता है ये। गैस बंद कर देंगे हम। आप चाहें तो ऊपर से नमकीन डालिए और थोड़ी धनिया पत्ती, और साथ में नींबू रखकर सर्व कीजिए। नाश्ता हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसमें सब्जियां और डाल सकते हैं। आसान और कम समय में बनने वाला नाश्ता है ये। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।